हेलो स्टूडेंट, योर क्वेश्चन इज कंसीडर ऑल रेक्टेंगल्स लाइंग इन द रीजन एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू आर क्रॉस आर सच दैट जीरो लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू पाई बाई टू एंड जीरो लेस देन इक्वल टू वाई लेस देन इक्वल टू टू साइन टू एक्स ओके एंड हैविंग वन साइड ऑन द एक्स एक्सिस द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल विच हैज़ द मैक्सिमम पेरीमीटर Among all such rectangles is, okay? तो चलते हैं हम लोग इसके सॉल्यूशन की तरफ. ये चार ऑप्शन गिवन है. ये जो आंसर, इसमें से हम लोगों को आंसर फाइंड करना है. तो कौन सा आंसर आएगा ये हमें कैलकुलेट करना है. तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन ये कह रहा है कि आप इस कर्व और इस कर्व को ड्रॉ करिए, उसके बीच जो भी फिगर बन रहा है उसके बीच बहुत सारे रेक्टेंगल्स बनेंगे, लेकिन आप सिर्फ उन रेक्टेंगल्स का एरिया निकालिए जिसका पेरीमीटर क्या है, मैक्सिमम है. ओके, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि इसके अंदर हमारा कौन कौन सा कंसेप्ट यूज होगा. तो पहला कंसेप्ट तो मुझे ये दिख रहा है कि आपको सबसे पहले एरिया ऑफ द रेक्टेंगल आना ही आना चाहिए. ठीक है, क्या होता है एरिया ऑफ द रेक्टेंगल बताइए. ए इक्वल टू एल इन टू बी, लेंथ इन टू ब्रेड्थ. ओके, दूसरा कंसेप्ट क्या है हमारे पास? दूसरा कंसेप्ट यह है कि साइन टू एक्स का ग्राफ आपको आना चाहिए, ग्राफ ऑफ साइन टू एक्स. ओके, और पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल तो टू इंटू एल प्लस बी. और तीसरा, साइन टू एक्स का ग्राफ कैसा ड्रॉ होगा. क्लियर है? और लास्ट जो कंसेप्ट है वो है मैक्सिमा मिनिमा का. मैक्सिमा मिनिमा का कंसेप्ट आपको आना चाहिए. जैसे इन्होंने बोला कि मैक्सिमम एरिया होना चाहिए. तो मान लो मेरे पास कोई फंक्शन px है, तो px मैक्सिमम हो इसके लिए क्या कंडीशन होता है कि हम लोग p डैश x इक्वल टू जीरो करके कोई एक x इक्वल टू x1 निकालते हैं और फिर क्या करते हैं, p डबल डैश x1 चेक करते हैं कि यहाँ पर लेस देन जीरो आ रहा है कि नहीं. यदि ऐसा होता है तो x इक्वल टू एक्स वन हमारा पॉइंट ऑफ मैक्सिमम होता है और इसी x1 को हम लोग p में रख करके फिर इसका मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करते हैं. तो ये तो हमारा हो गया कि इसके अंदर कौन सा कंसेप्ट यूज होगा. ठीक है, अब फर्स्ट स्टेप हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इस दोनों ही ग्राफ को प्लॉट करेंगे. तो चलो, प्लॉट करने के लिए x एक्सिस ये y एक्सिस हो गया और दिस वन इज x एक्सिस एंड दिस वन इज y एक्सिस, दिस वन इज ओरिजिन. ओके, अब हमें क्या बोला गया है, हमें बोला गया है कि x इक्वल टू जीरो से x इक्वल टू पाई बाई टू. तो मान लेते हैं ये जीरो है और x इक्वल टू पाई बाई टू हमारा ये. क्लियर, अब हम लोगों को क्या करना है, इसके बीच साइन टू एक्स का ग्राफ. तो साइन x की तरह ही ग्राफ होगा ना, साइन x की सिर्फ वैल्यू चेंज होगी. तो ये हो गया हमारा साइन x. ये मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी साइन टू एक्स का, 2 आ जाएगा, क्योंकि साइन 2 साइन 2x है तो साइन 2x तो 1 ही होगा ना ज़्यादा से ज़्यादा. अब ये वाला पॉइंट कब 1 होगा इसको भी फाइंड करना है. तो कब 1 होगा देखो, तो जब 2x क्या हो जाए हमारा, पाई बाई टू, क्योंकि साइन 2x, साइन x 1 कब होता है, पाई बाई टू पर. तो x इक्वल टू पाई बाई फोर. अच्छा, तो ये वाला पॉइंट आ जाएगा हमारा पाई बाई फोर. क्लियर, अब हम लोगों को फाइंड करना है उस रेक्टेंगल का एरिया जिसका पेरीमीटर मैक्सिमम हो. अब इसके बीच तो बहुत सारा रेक्टेंगल बनेगा, लेकिन हमें उस रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करना है जिसका पेरीमीटर क्या हो, मैक्सिमम हो. तो हमने मान लिया कि यही हमारा क्या है, यही हमारा रिक्वायर्ड रेक्टेंगल है. तो अब ये वाला पॉइंट अल्फा, ये वाला पॉइंट बीटा, ठीक है, इसके हिसाब से मान लेते हैं. ठीक है, अब इसके हिसाब से ये वाला जो पॉइंट होगा अल्फा कोमा 2 साइन 2 अल्फा, क्योंकि कर्व पे रख दिया, और ये वाला पॉइंट होगा बीटा कॉमा 2 साइन 2 बीटा. क्लियर, अब मेरे को बताओ कि ये जो रेक्टेंगल है क्या इसका ये वाला हाइट और ये वाला हाइट दोनों साइड क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि रेक्टेंगल क्या होता है, पैरेलल ऑपोजिट साइड्स होते हैं ना, पैरेलल इक्वल, ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं और ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं, है ना. तो इससे हम लोगों को एक इक्वेशन मिलेगा कि 2 साइन 2 अल्फा इज इक्वल टू 2 साइन 2 बीटा, इसको हम लोग नेक्स्ट में यूज़ करेंगे.
तो ये ग्राफ ड्रॉ कर दिया। अब पेरीमीटर ऑफ द क्या लिख लें हम लोग, पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल लिख लेते हैं, ठीक है। चलो तो पेरीमीटर का फॉर्मूला 2 इंटू एल प्लस बी, तो 2 इंटू एल क्या आ जाएगा, एल ये वाला लेंथ क्या आ जाएगा, बीटा माइनस अल्फा, तो ये आ गया बीटा माइनस अल्फा प्लस बी क्या आ जाएगा, कोई एक ले लेते हैं, 2 साइन होगा तो दोनों सेम ही, 2 अल्फा ले लिए, ठीक है, दिस इज पी। अब हम लोगों को क्या करना है, इसको किसी एक वेरिएबल में लाना है, तो मेरा मन है कि इसको किसी एक वेरिएबल में अल्फा में चेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो ये बीटा और अल्फा में रिलेशन कहाँ से है, यहाँ से हम लोगों को पता चला था। तो हम लोग जानते हैं एज वी नो दैट कि 2 साइन 2 अल्फा इज इक्वल टू कितना आएगा, 2 साइन 2 बीटा। तो यहाँ से क्या मिला, 2 कैंसिल आउट, सो साइन 2 अल्फा इज इक्वल टू साइन 2 बीटा। अब ये तो आपको ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन का कंसेप्ट आना चाहिए कि यहाँ से तो सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटीज है कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू पाई बाई 2 हो, दिस इम्प्लाइज बीटा इक्वल टू पाई बाई 2 अल्फा, पाई बाई 2 माइनस अल्फा। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पुट कर देंगे पेरीमीटर, तो ये बन जाएगा पी अल्फा इज इक्वल टू 2 टाइम्स बीटा की जगह रख दिया पाई बाई 2 अल्फा माइनस अल्फा, और ये तो पहले से हमारे पास है 2 साइन 2 अल्फा, ओके। इसलिए पी अल्फा इक्वल टू 2 टाइम्स पाई बाई 2 माइनस 2 अल्फा प्लस 2 साइन 2 अल्फा, ये आ गया। अब हम लोगों को क्या करना है, पी अल्फा को मैक्सिमम, क्यों, क्योंकि उसने बोला है मैक्सिमम पेरीमीटर, तो हम लोग 4 पी अल्फा मैक्सिमम क्या करना पड़ेगा, पी डैश अल्फा इक्वल टू 0 करना पड़ेगा और वहां से अल्फा निकालना पड़ेगा। तो पी डैश अल्फा क्या आ जाएगा, पी डैश करेंगे तो 2 पाई बाई 2, तो ये तो पाई माइनस 4 अल्फा प्लस 2 साइन 2 अल्फा है, तो डैश लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा, यहाँ से माइनस 4 और यहाँ आ जाएगा 2 इंटू 4 इंटू 2 8 कॉस 2 अल्फा। तो मेरे पास जो आया पी डैश अल्फा माइनस 4 प्लस 8 कॉस 2 अल्फा, इसको अब 0 कर दे रहे हैं, तो 0 करेंगे तो पी डैश अल्फा इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज 8 cos 2 alpha equal to 4, so cos 2 alpha equal to 1 by 2, so 2 alpha is equal to, कोई एक ही वैल्यू लेते हैं हम लोग, 1 by 2 means कितना आ गया, pi by 3, 60 degree, then alpha is equal to pi by 6, इसलिए हम लोगों को ये भी फाइंड करना है कि P डबल डैश अल्फा क्या आ रहा है इस पॉइंट पर, तो P डबल डैश अल्फा कितना आ जाएगा, इसको फिर से हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे तो माइनस आ जाएगा, मतलब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ आ जाएगा माइनस ऑफ 16 साइन 2 अल्फा, और जब आप अल्फा इसमें पुट करोगे तो देखो ये पॉजिटिव होगा, 16 पॉजिटिव माइनस पहले लेस देन 0, तो पक्का हो गया कि अल्फा इक्वल टू पाई बाई 6 जो है हमारा क्या है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। इसीलिए हमें जो पी अल्फा मिला ना, वो कुछ ऐसा मिला। अब क्या था पी अल्फा, देख लो एक्चुअल में पी अल्फा जो मिला था हमें, पी अल्फा 2 इंटू ये मिला था पाई बाई 2 माइनस 2 अल्फा प्लस 2 इंटू साइन 2 अल्फा, तो पी अल्फा इक्वल टू 2 इंटू पाई बाई 2 माइनस 2 अल्फा प्लस 2 साइन 2 अल्फा, ओके। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, पाई बाय 6 रख देंगे, तो 2 इंटू पाई बाय 2 माइनस 2 इंटू पाई बाय 6 प्लस 2 साइन 2 अल्फा, ओके क्लियर। तो अल्फा की जगह क्या रख दें हम लोग, पाई बाय 6, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, मैक्सिमम पेरी
मीटर, क्लियर। बट हमें क्या फाइंड करना है, मैक्सिमम एरिया, जब क्या हो मैक्सिमम पैरामीटर हो, तो ये आप नहीं भी फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। तो हम लोग निकाल लेते हैं एरिया, एरिया इक्वल टू क्या आ जाएगा, एल इंटू बी, एल क्या है हमारा, बीटा माइनस अल्फा, तो बीटा तो हम लोग पहले ही रख सके हैं, पाई बाय टू माइनस अल्फा, तो टू अल्फा इंटू बी कितना आ जाएगा, टू साइन टू अल्फा, ओके। तो पाई बाय टू, और कब मैक्सिमम हो रहा है पेरीमीटर, जब अल्फा क्या है पाई बाय सिक्स रख दे रहे हैं, तो टू इंटू पाई बाय सिक्स इंटू टू साइन टू इंटू पाई बाय सिक्स, ओके। तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ से पाई बाय थ्री, तो थ्री माइनस टू, तो ये आ जाएगा पाई बाय सिक्स आ जाएगा, देख लो, थ्री पाई माइनस टू पाई अपॉन सिक्स, तो पाई बाय सिक्स इंटू टू इंटू, यहाँ से कितना आ जाएगा, ये पाई बाय थ्री, सिक्सटी डिग्री रूट थ्री बाय टू आ जाएगा, ओके। टू से टू कैंसिल, कितना आ गया, पाई रूट थ्री बाय सिक्स, तो ये इसको हम लोग लिख सकते हैं पाई बाय, नीचे कट कर देंगे तो टू रूट थ्री। तो देख लेते हैं ये कौन सा ऑप्शन है हमारा, दिस इज पाई बाय टू रूट थ्री, दिस ऑप्शन सी, ओके। सो ऑप्शन सी इज आवर आंसर, आई होप दिस आंसर्ड योर क्वेश्चन।